एक्सवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के विश्वेश्वरैया भवन पहुंचकर वहां के हालात का जायजा लिया है। वहीं अधिकारियों से बातचीत करने के बाद सीएम नीतीश ने मामले के जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि पटना के हड़ताली मोड़ स्थित विश्वेश्वरैया भवन में भीषण आगलगी की घटना हुई थी। बताया जा रहा है कि इस आगलगी की घटना में कई सरकारी फाइलें जलकर नष्ट हो गई है। वहीं मौके पर पूरे हालात का जायजा लेने के बाद सीएम नीतीश ने कहा कि आग लगने की जानकारी सुबह ही मिली थी, जिसके बाद हम पूरी जानकारी ले रहे थे। फिर दोपहर के बाद पता चला कि अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। आग बुझाने की कोशिश हो रही है, थोड़ा समय लगेगा। सरकारी भवन में इतना देर तक आग लगने की बात अभी तक नहीं सुने हैं। सारे अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पूरी जानकारी ले रहे हैं, लेकिन दिन में एक बार पता चला कि फिर और आग लग गया है, और आज फिर 3 बजे के बाद भी देखा कि फिर आ गया कि आग लग गया है। तो हमने कहा, इन लोगों ने जो काम किया उसके बारे में बताया कि सब तरह से कोशिश कर रहे हैं, और पूरी जिस समय हुआ है उसके तुरंत बाद से ही सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं। लेकिन इतना देर तक इस तरह का अग्निकांड का, ये अपने आप का एक अलग तरह का इंसिडेंट है घटना। हम कभी इतना देर तक के लिए सरकारी भवन में इतना दूर तक के बारे में कभी नहीं सुने और देखे, इसलिए हमको लगा कि हम जा करके देखें कि अब क्या स्थिति है। कोशिश तो इनकी पूरी हो रही है, लेकिन अभी थोड़ा समय और लगेगा। लेकिन सारे अधिकारी सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और इसको निश्चित रूप से इससे मुक्ति पाएंगे, और आगे के लिए और भी जो आवश्यक है इस तरह के इक्विपमेंट्स वगैरह का, उसको रखा जाएगा यहाँ ताकि पटना स्थित विश्वेश्वरैया भवन में सुबह अचानक भीषण आग लग गई। वही आग पर काबू पाने के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया, तब जाकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। विश्वेश्वरैया भवन में आग लगने से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी तबाह होने की आशंका है। इस हादसे में नवनिर्मित 7वां फ्लोर भी बर्बाद हो गया है। इस आगलगी के दौरान जब मौके पर अग्निशमन विभाग की डीजी शोभा होटकर पहुंची, तो उन्होंने स्थानीय थाना पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए भड़क उठी और पुलिस विभाग पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी, इसका प्रमाण यहां के CCTV फुटेज में देखा जा सकता है। मेरे फायरमैन हैं, हम लोग तो वो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से अभी सब तोड़ करके हम लोग अंदर घुसा रहे हैं सब अपने। मेरे फायरमैन काफी सक्षम है, मेरे सारे ऑफिसर्स हैं यहाँ, इमीडिएटली सब लोग पहुंचे हैं 2 मिनट के अंदर। मैं भी यहाँ पर हूँ, मेरे DIG हैं, मेरे कमांडेंट हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जब ऐसी घटना घटती है तो लोकल पुलिस को होना चाहिए। ये जो पब्लिक को हटाने का काम मेरा काम नहीं है, इसी में कोई हादसा हो सकता है। इनका क्वेश्चन का जवाब मैं देने के लिए सक्षम नहीं है, इसकी क्लैरिटी आप उन्हीं से ले सकते हैं। CCTV यहाँ पे लगे हुए हैं, आप खुद उसका अवलोकन कर लीजिए कि स्थानीय पुलिस थी। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, सीनियर का जवाब आप उनसे लीजिए। विश्वेश्वरैया भवन में आगलगी की घटना के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। तेज प्रताप यादव ने हादसे पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। इस आग में घोटाला वाला सब फाइल जला दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार सच्चाई छिपा रही है। पूरा फाइल घोटाला वाला जला दिया, सरकार अपना सच्चाई। वहीं विपक्ष द्वारा आग की घटना पर सवाल उठाए जाने पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि जिस संस्कृति और जिस सोच के साथ प्रतिपक्ष ने काम किया है वो वैसा ही सोचेंगे। लगी है, और चूंकि 5वें और 6वें फ्लोर पर से आग शुरू हुआ है, और क्या कारण है तो अभी तुरंत में हम लोग को भी जानकारी नहीं है। लेकिन अभी पहले तो पहला जो काम है कि आग बुझाने का, उस काम में पूरा प्रशासन लगा है, और चूंकि बड़े पैमाने पर अभी जो पहली सूचना मिल रही है, लेकिन हम लोग उस पर है कि प्रशासन जैसा चाहिए उसको बुझाने में सफल हो, इसके लिए सारी टीम लगी है। जैसे पूरी प्रक्रिया पूरी होती है तब हम लोग पता चल पाएगा कि क्या कारण है।
बिहार की राजनीति में जातीय जनगणना की मांग ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। जातीय जनगणना के मसले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई। वहीं सीएम नीतीश ने मुलाकात करने के बाद तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि हमने जातीय जनगणना की मांग को लेकर सीएम नीतीश से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान उन्हें पूरी प्रक्रिया के साथ जातीय जनगणना कराने का आश्वासन दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्होंने सीएम से बेरोजगारी के मुद्दे पर भी बात की है। जातीय जनगणना को लेकर के हमने अल्टीमेटम भी दिया था कि भाई 48 घंटे या 72 घंटे के अंतर मुख्यमंत्री हमको बुलाएं, समय दें ताकि हम उनके राय को जान सकें कि भाई वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं, और कराएंगे तो कब तक कराएंगे और कैसे कराएंगे, इन सारे विषयों पर हमारी बात हुई है। और हमने एक एक बात जो है मुख्यमंत्री के समक्ष जो है सारी बातों को हमने रख दिया है। और मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वस्त किया है कि भाई इसके पक्षधर वो भी हैं, वो भी जल्द से जल्द जो है इस मामले को कराना चाहते हैं। बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। छात्रों के साथ साथ सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। इस बीच बिहार के डेप्यूटी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि इसकी जांच की जा रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बीपीएससी की परीक्षा के पहले प्रश्न का लीक होना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहते भी हैं कि इस तरह की किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हो बिहार में। हमारी सरकार हमेशा जीरो टॉलरेंस पर चलती है, तो इसकी जांच सरकार करा रही है और इसमें जो भी दोषी होंगे उन पर तो सख्त कार्रवाई होगी। झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने दूसरे दिन पूछताछ के बाद पूजा सिंघल को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया है। बता दें कि पूजा सिंघल से मंगलवार को भी ईडी ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान पूजा के पति अभिषेक झा भी वही मौजूद थे और दोनों को आमने सामने बैठा कर ईडी ने पूछताछ की। हालांकि आज ईडी पूजा सिंघल से अकेले में पूछताछ कर रही थी और पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट लिया गया। वहीं बताया जा रहा है कि अब झारखंड सरकार भी पूजा सिंघल को सस्पेंड कर सकती है। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।